नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंचन सारीस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये चने की साग है, इसको मैंने पहले से ही धो रखा है। इसको आज मैं अरवा चावल और चने दाल के साथ में छिलका रोटी बना के आप सब हमको दिखाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों और पौष्टिक भी होता है। आप लोग देखिए, काटते हुए मैं दिखाती हूँ हम लोग कैसे बाइटी से काटते हैं दोस्तों। इसको हम लोग चाकू का यूज बहुत ही कम करते हैं, हम लोग बाइटी से इस तरह से काटते हैं। मैं पतला पतला काटेंगे दोस्तों और इसको दाल के साथ चावल के साथ सील में पीस देंगे दोस्तों। वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, देखिए दोस्तों, मैं जो चावल और दाल फुलाई थी, इसको 5-6 घंटा फुलाई थी दोस्तों। देखिए ये कितना सुंदर फूल के हो गया है। अब मैं आपको इसको पीस के दिखाऊंगी। इसको एक देखिए दोस्तों, मैं सील लोढ़ा को बढ़िया से धो लेती हूँ। उसके बाद इसमें छिलका रोटी, चना चना चावल और चने की साग के लिए मैं मसाला रखती हूँ। इसमें एक छोटा सा अदरक, 5-6 कली लहसुन, 4-5 मिर्चा। दाल के साथ इसको मैं एक साथ मिला के पीस दूंगी दोस्तों। पीस देने से ये में ही हो जाएगा, ये काट के डालने से इसमें थोड़ा डंटा रह जाता है, इसीलिए आज मैं पीस के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे बनता है चने की साग की रोटी। इसको आप टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बारीक पीस लिया और अब इसको मैं थाली में उठा लूंगी दोस्तों। ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा, बेस्ट बन के तैयार है। ये सील का पिसा हुआ है, आप लोग इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन हम लोग गांव के लोग अक्सर सील पर इसका पिसाई का यूज करते हैं दोस्तों। देखिए है, इसमें अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे दोस्तों और इसको अगला प्रोसेस में दिखाऊंगी कैसे इसको तवा पर बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, इसको मैं बढ़िया से पीस ली हूँ सील में और इसको अब एक बाउल में ढालती हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैं ढाल ली हूँ। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। आप अपना स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा दोस्तों, कम बेसी हो सकता है, कम ज्यादा। इसको देखिए बढ़िया से कलछुल से मैं चला ले रही हूँ। सर हम लोग दोस्तों, मैं गांव की हूँ इसलिए थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो सकता है, उसको अनसुना कर दीजिएगा। देखिए कलछुल से मैं कैसे इसको मिला ली हूँ दोस्तों। देखिए मैं चूल्हा जला ली हूँ, चूल्हा में तवा बैठा देती हूँ। इसको बढ़िया से धो ली हूँ दोस्तों तवा को, और ये अच्छी तरह से गर्म हो गया है दोस्तों। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ, उसके बाद जो चना और चने की साग, चना दाल और अरवा चावल का जो मैं सील में पीस के तैयार की हूँ दोस्तों, उसको अब मैं तवा में डाल रही हूँ। इसको फिर बढ़िया से इसको पसार देती हूँ तवा में, और 10 मिनट के लिए दोस्तों इसको मैं ढक के छोड़ देती हूँ। देखिए दोस्तों, इसको अब मैं ढकी थी उसको हटा दी ढक्कन, और उस इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल के इसको मैं पलट देती हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, काफी हेल्दी है। जगह रखो सर,
देखिए दोस्तों रोटी पक के तैयार है। इसको अब मैं थाली में निकाल देती हूँ। देखिए दोस्तों देखने में कितना सुंदर है। और मैं दोबारा तवा में दूसरा डाल रही हूँ दोस्तों। देखिए कितना ही बढ़िया है दोस्तों। देखिए इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं इसको थाली में निकाल दी हूँ। और जो मेरा बेटा है वो सारी खाने के लिए बेताब है दोस्तों। लो बाबू खा के दिखा कैसा लगता है। बहुत ज्यादा गर्म है। मैं उसे अचार के साथ खा रहा हूँ। देखिए अचार यहाँ पे और ये पूरा रोटी। कोई स्वाद नहीं आया। रुकिए और खाते दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। आप भी अपने घर में बनाइए, ट्राई करिए और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नानी थाली और ये दूसरा रोटी है, ये भी बन के तैयार है। इसको मैं अब थाली में निकाल लेती हूँ दोस्तों। इसी तरह से मैं सारे रोटी को बना लेती हूँ। फिर कभी इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। बनाइए इस तरह से रोटी और ये पौष्टिक से भरा रहता है दोस्तों। और दोस्तों बढ़िया कमेंट करिएगा, खराब कमेंट मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और देखिए इधर मीनू बाय बाय। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू।